नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है शिप्रा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, शिप्रा एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 22911 है। यह गाड़ी इंदौर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन चलती है। इंदौर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच की दूरी 1737 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 31 घंटा 25 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी इंदौर जंक्शन से चलकर उज्जैन जंक्शन, बीना जंक्शन, सागर, कटनी, मुरवारा, मैहर, सतना, प्रयागराज, शिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, धनबाद जंक्शन, आसनसोल जंक्शन, दुर्गापुर, बर्धमान जंक्शन होते हुए हावड़ा जंक्शन को जाती है। यह गाड़ी इंदौर जंक्शन से रात 11:30 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है और हावड़ा जंक्शन को तीसरे दिन सुबह 6:55 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इस गाड़ी के टिकट किराया की बात करें जो कि इंदौर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक का है, फर्स्ट एसी 4,595 रुपया, सेकेंड एसी 2,700 रुपया, थर्ड एसी 1,875 रुपया, स्लीपर क्लास 715 रुपया और जनरल टिकट 350 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, शिप्रा एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।